नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। आज हमारे बीच सुशील कुमार पिंटू जो कि लोकसभा सांसद है सीतामढ़ी से, वो हैं। उनसे हम जानेंगे कि सरकार किन जगहों पे फेल हो रही है, खासतौर पे क्राइम पे, सरकार के फेलियर पे हम उनसे बात करेंगे। बीजेपी और जेडीयू में क्या कहीं दरार आ रही है, उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि संजय पासवान जो MLC हैं भारतीय जनता पार्टी से है, वो उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि बिहार में तो लोकसभा में मोदी के नाम पे ही वोट मिला। तो इन सब सवालों के लिए हम बात करेंगे सुशील कुमार पिंटू से। सर, मेरा पहला सवाल है कि आपकी जो पुलिस है उस पर ये चार्ज लग रहा है कि आप लोग जो हैं, आपकी पुलिस बिहार में दबंगई कर रही है चार्जेस लगाने के नाम पे, वाहन चेकिंग के नाम पे। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं कि पुलिस अपने आप को सुपर समझने लगती है। कानून सबके लिए, कानून अगर आम जनता के लिए है तो कानून के जो रखवाले हैं उन पर भी कानून लागू होता है, चाहे हम कानून बनाने वाले हम पर भी लागू होता है। अगर जो पुलिस वाले अगर बिना हेलमेट का या बिना गाड़ी के कागज का चलते हैं तो सरकार ने एक प्रोविजन किया कि उन पर डबल फाइन है, उनको डबल फाइन लगेगा अभी जो भी वो कर ले। परंतु आपके ही चैनलों से माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं दिन रात कि जिस किसी भी पुलिस वाले का वीडियो अगर वायरल हुआ है उस पर या तो वो लाइन हाजिर हुए हैं या उनको डबल जुर्माना भरना पड़ा। सर, दूसरा सवाल है, बिहार में अपराध और मॉब लिंचिंग थम नहीं रहा, बहुत इमेज गड़बड़ हो रही है देश में। मॉब लिंचिंग तो अभी बिहार में नहीं हो रही है ऐसी कोई घटना, हाँ अपराध में जहां तक सवाल है कि अपराध की घटनाओं में लगातार इधर प्रशासन लाख का है पुलिस कोशिश कर ले परंतु अपराध काबू में नहीं आ रहे हैं। लगता है कि कुछ और कड़े स्टेप जब तक नहीं पुलिस प्रशासन लेगी तब तक नहीं लग रहा है कि अपराधियों पर अंकुश लग पाएगा, ऐसा लग रहा है बिहार के अंदर में। इसलिए जरूरी है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार बोल रहे हैं, सभी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं पुलिस महकमे को, पुलिस महकमे को कुछ तत्परता और दिखलानी चाहिए। ये कि नीतीश कुमार जो आपके सुप्रीमो है वो झारखंड में जा रहे चुनाव लड़ने जी, वहां जाके आप बिहार में बहुत मजबूती से सरकार चला रहे हैं सारे लोग, झारखंड में नीतीश कुमार अपने ही सरकार के सहयोगी पर निशाना साध देते हैं रघुवर दास में, की काम तो हुआ ही नहीं। जहां तक सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पिछले चुनाव में भी झारखंड में अलग चुनाव लड़े थे, हमारा गठबंधन बिहार तक ही है, बिहार में है और यहाँ हम केंद्र में सरकार के समर्थन में है। परंतु अन्य देश के अन्य राज्यों में जेडीयू अपने आप राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए और अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए, हम अन्य राज्यों में स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, हमारा जो NDA से गठबंधन है उसमें ये कहीं नहीं है शर्त कि हम अन्य राज्यों में चुनाव न लड़े। इसी के तहत हम लड़ रहे हैं चुनाव झारखंड में भी और अन्य राज्यों में अलग अलग। बिहार में हैंडपंप घोटाला अब निकल के आया है, जो भी दोषी होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं किसी के बचाव किया है, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को बचाया है न किसी को बेगुनाह को फंसने दिया है। इसलिए अगर जो भी हैंडपंप घोटाला में लोग आएंगे उन पर तुरंत कार्रवाई होगी और कानून का डंडा ऊपर चलेगा। सर, संजय पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का गद्दी छोड़ देना चाहिए, उनको केंद्र की राजनीति अब करनी चाहिए क्योंकि जितने भी वोट पड़े हैं लोकसभा चुनाव वो सब मोदी के नाम पे पड़े, तो आगे भी विधानसभा चुनाव में भी लगभग वोट जो है वो मोदी के नाम पे ही मिलने वाले हैं। ये संजय पासवान जी माननीय विधान पार्षद के सदस्य हैं, ये उनका अपना निजी राय हो सकता है। जहां तक सवाल है कि बिहार में वोटिंग जो हुई है पार्लियामेंट में, वो अगर नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश जी के दोनों के नाम पर वोट हुआ है, किसी एक के नाम पर वहां वोटिंग नहीं हुई है और दोनों के ही परिणाम था कि हम 40 में 39 सीट हम लोग जीतने का काम किए। रह गई बात राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताएं, लोगों का स्पष्ट कहना है कि 2020 में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, किसी व्यक्ति के निजी राय पर पार्टी न JDU इत्तेफाक रखती है न BJP इत्तेफाक रखती है। तो ये थे सुशील कुमार पिंटू जो कि बता रहे थे कि लोकसभा में सिर्फ मोदी के नाम पे वोट नहीं मिले, नीतीश के नाम पे भी वोट मिले हैं और अगली बार भी NDA के अलायंस ही 2020 विधानसभा में देखने को मिलेगी। आप बने हुए सिटी पोस्ट के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूले, ये हमारी अपील है आपसे क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप हमारी खबरों को, हमारी मेहनत को बहुत पसंद करते हैं। नमस्कार।
कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।